तरसते नहीं, आज पूरे माँ बाप तरसते, शादियां करवा देते कि औलाद अलग हो जाए, मगर ये शादी के बाद बीवी बच्चों की मोहब्बत में इतनी गुम हो जाती है कि इसको माँ बाप की कदर मंजिलत नहीं देती। माँ बाप का अदब एहतराम बाकी नहीं, इनकी खुशियां बाकी नहीं, कभी कोई चीज माँ बाप के लिए ले भी नहीं जाते, कहा भाई आपके लिए लाया हूं, खुश हो जाओ। बाप को जो चीज पसंद थी कभी कभी भूल कर तो सुबह या दोपहर या रात में ले जाओ। अब्बा पूछे बेटा कैसे है, अब्बा जान ये मैं बाजार से निकला था, मैंने देखा आपको बहुत पसंद है, मैं आपके लिए लाया हूं, और आओ दोनों मिलकर बैठ कर खाते हैं। कभी हुआ है ऐसा? बाप जब निकलता था तो आपकी पसंद का फल लाता था कि मेरे बेटे को आम पसंद है, नहीं नहीं मेरे बेटे को केला पसंद नहीं, मेरे बेटे को सेब पसंद है। आज माँ बाप के आगे ठंडा खाना रख देते हो और माँ बाप उस दिन को याद करो जब बेटा कहता था मम्मी आज कढ़ाई खाने का जी चाह रहा है, माँ की तबीयत ठीक हो या ना तुम कढ़ाई पका करके लाती थी होटल थी, वो माँ को बावर्ची नहीं थी, नहीं अम्मी ये पसंद नहीं है मैंने आज अंडा खाना है, इसके लिए ये अंडा बनाया है मेरे लिए वो अंडा बना कर दो, तुम्हें दो दो किस्म के अंडे बनाकर तुम्हारी माँ खिलाती थी। आज तू घर का सामान लाते हो तो बीवी बच्चों के लिए छुपा कर लाते हो, माँ बाप देख ना ले कि माँ बाप ये सामान देखेंगे तो कहेंगे बेटा कहां से लाए हो। अरे ऐसा सुलूक तो मत करो माँ बाप के साथ, तुम्हारे माँ बाप है, इनसे मोहब्बत करना सीखो, इनसे प्यार करना सीखो।